वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आपकी बातें चल रही थी और आपको बताया जा रहा था कि आप क्या करें क्या ना करें, कुछ आपके पर्सनल क्वेरीज भी थे और कुछ मैंने ढूंढ ढूंढ के आपको बताया कि अपनी जिंदगी को कैसे डिफाइन करना चाहिए एंड व्हेन टू टेक व्हाट डिसीजन इज ऑल अबाउट प्लानिंग। और अब प्लानिंग से याद आया कि लिबरेंस की बारी आ चुकी है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको जिंदगी में क्या प्लान करना है। और आज आप बिना प्लानिंग के करोगे और जो मैं कहूंगा वो नहीं करोगे, बिकॉज आज आपको किसी से प्यार होने वाला है। और जब प्यार हो जाता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक रखना है, लेकिन यू आर यूज टू इट, आपका तो खैर ये तो पेशा है। बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी गुड थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग अराउंड यू विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक आपकी एक पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है, बिजनेस में कुछ नई एवेन्यूज खुल सकते हैं विच इज़ गुड। लोगों से फायदा होगा जो दबंग है, यानी जो लोगों से आपको अभी तक लग रहा था कि यू नो आई एम नॉट दिस ही इज़ नॉट माई टाइप, मतलब वाले टाइप की बात नहीं हो रही है, मतलब जो आपके नेचर को मैच नहीं कर रहा है उनसे भी आपको फायदा हो सकता है। तो कीप योर ऑप्शंस ओपन, इट कुड बी अ गुड डे एज वेल। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस के लिए आज चर्चा कर रहे हैं आज आप उन चीज़ों की जो चर्चा में नहीं है। दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट देयर। ऐसा तब होता है जब चौथे घर में चांद होता है और इंसान का मन नहीं करता है, तो अपने मन को मनाइए। थोड़ा सा टैक्ट और थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी आपकी जिंदगी में चार चांद लगा सकती है चांदनी के अलावा। धनुराशि यानी सैजिटेरियस, सैजिटेरियंस के लिए आज आपके जो कलीग्स हैं वो आपके काम आने वाले हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपके खुद की पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है, वो भी एक अच्छी बात है। खाली आप एक रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे वो एक अच्छी बात नहीं है, बट अदरवाइज बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर लर्निंग, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर करियर। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपका करियर स्ट्रांग कब होगा, तो आप पहले हमें एक ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए हमें astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास विपुल रॉथ का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30th of November 1979, टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 in the morning। और विपुल रॉथ जानना चाहती हैं, एक्चुअली उन्हीं की वाइफ हैं ये जिनका सवाल था पिछला, और वो कह रहे हैं मैं अपनी वाइफ की डिटेल भी भेज रहा हूँ, इनके बारे में भी कुछ बताइए, रोशनी डालिए। बिल्कुल, देखिए समझ में आना चाहिए एक्चुअली आप किसके साथ रह रहे हैं। और आपकी वाइफ के बारे में बता सकता हूँ कि अगर आपको गलतफहमी है कि आप बॉस हैं तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए, बिकॉज मेरे हिसाब से विपुला जो हैं ये शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। और आपका आपको मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि आप अनिरुद्ध जी, आप ही का सवाल था एक्चुअली, तभी मैं ढूंढ रहा था कि आप किसकी वाइफ हैं ये। तो अनिरुद्ध जी आपकी जो वाइफ हैं विपुला, ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, इनका जो मैनेजमेंट स्किल है वो अमेजिंग है। इनकी बात जिसने नहीं मानी वही गलती करेगा, यानी आपको माननी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा प्राइड का प्रॉब्लम है, शी विल नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग विच शी विल फील इज नॉट राइट। तो थोड़ा सा आपको लगेगा ईगो है, बट मेरे हिसाब से वो प्राइड है। आपको लगेगा कि वो एग्रेसिव है, मेरे हिसाब से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। वीनस में केतु की दशा जनवरी से चल रही है और पिछला एक साल आप उनको समझाते समझाते आप ही समझ गए और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से चीज़ें की बदल रही है, वीनस में केतु की दशा वॉज बैड, अब इनकी सूर्य की दशा शुरू हो चुकी है और ये छः साल इनकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट छः साल रहेंगे। फिर 10 साल मून के विच विल बी द 9th lord द हाउस ऑफ लक, उसके बाद इनके मंगल के 7 साल हैं, फिर 18 साल राहु के और 16 साल गुरु के, यानी जितनी दशाएं इनकी जिंदगी की हैं ये सब 10 में से 10 हैं। तो इनको कोई बुराई नहीं है इनको बॉस बनाने में। एक आप रूबी पहन लीजिए, इनको पहना दीजिए, बेसिकली अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ, और एक येलो सफायर पहना दीजिए, दोनों स्टोन इनके लिए लाइफ के लिए अच्छे हैं। ब्यूटीफुल हॉरोस्कोप, देखिए ब्यूटीफुल वाइफ हमेशा नेबर की होनी चाहिए, आपकी वाइफ ब्यूटीफुल भी है और वाइस भी है, उसको खुश रखिए जिंदगी बन जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब अगला ईमेल है हमारे पास सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की डेट ऑफ बर्थ है 17th of August 1981, टाइम ऑफ बर्थ 12:40 PM, दोपहर को पैदा हुए सिद्धार्थ। और जानना चाहते हैं, डियर संदीप जी, आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव रिप्लाई टू अवर प्रीवियस ईमेल्स, बट वी हैव बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम रेगुलरली, वी डिड मिस इट ऑन 1 or 2 days, तभी निकल गया होगा सिद्धार्थ। प्लीज डू रिप्लाई टू माई ब्रदर्स क्वेरी एज वेल, वी ऑल आर नाउ वरीड अबाउट हिज मैरिज, इज देयर एनी वे वी कैन कम टू नो ऑन दैट ऑन दिस डे वी वुड बी गेटिंग अवर रिप्लाई। नहीं, ये तो बताना मुश्किल है, शो तो आपको रोज देखना पड़ेगा। डिटेल डेट ऑफ बर्थ ये दी है, उसका फ्यूचर करियर बिजनेस, हाउ इज गोइंग टू बी हिज जॉब और बिजनेस, और सेकंड क्वेश्चन है हिज मैरिज, वेन विल ही गेट मैरिड, वट काइंड ऑफ गर्ल विल ही गेट अकॉर्डिंग टू हिज स्टार्स, थैंक्स एन एंशियस सिस्टर, मदर, फादर, माहिरा। बिल्कुल, देखिए हर इंसान परेशान होता है, कोई भी फैमिली में एक ऐसा इंसान है जो शादी नहीं हो पा रही है और वक्त आ चुका है, तो कोई भी हो परेशान तो होगा ही। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आपने सबकी बिहाफ पे लिखा है माहिरा। और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 30 साल हो चुकी है सिद्धार्थ की एज, इसलिए आपको थोड़े से परेशान लग रहे हैं, लेकिन शनि में राहू की दशा थी जिसकी वजह से मैं परेशान था, और अच्छा हुआ आपने शादी नहीं करी उस दौरान, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी और बढ़ जाती। नीच का शुक्र है इनका और 5th house में चांद है, तो इनसे पूछिए कि ये किस किस से इनको प्यार हुआ है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जिससे प्यार हो जाता है उसकी शादी कहीं और हो जाती है जब वक्त साथ नहीं देता है, तो ऐसे में इनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनकी शादी इनकी मन पसंद होगी और जिसको ये चाहेंगे उसी से होगी। कुछ जो चीज़ें हो चुकी हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको ये भूल जाएं, आगे का वक्त एकदम ठीक है। और शादी का जो वक्त है वो मैं बता सकता हूं कि शादी जो है
इनकी या तो मुझे इतना कम टाइम में तो नहीं होगी, मुझे लगता है कि मई 2013 के बाद शादी कर लें, थोड़ा सा इंतजार और करें क्योंकि दिसंबर 2012 तक राहु की दशा है, विच इज नॉट ए गुड टाइम। शनि में गुरु की दशा में ही जिंदगी बदलेगी एंड इट विल बी द बेस्ट टाइम। उसके बाद 17 साल मर्क्यूरी की दशा विल बी 10/10। ही रियली वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी वेरी बिग इन लाइफ, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ, लेकिन पैशन और इंजॉयमेंट और प्लेजर इज एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी में सेटल होना भी जरूरी है। तो सिद्धार्थ को समझाइए, एक एमरल्ड सूट करता है इनको और ब्लू और ब्लैक कलर भी सूट करता है। मुझे लगता है कि नीलम मतलब उसकी तो शादी हो चुकी है, स्टोन की बात हो रही है, उसको भी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। ही इज हेडिंग फॉर ए गुड टाइम, शादी इनकी अगले साल होगी, कोशिश करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो बात हुई सिद्धार्थ की। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन की शुरुआत जो हो रही है वो फाइनेंशियल चेक के साथ हो रही है, यानी जो जो गलतियां आपने करी थी उसको सुधार लीजिए। कभी कभी कुछ गलतियां हमें पता नहीं चल पाती हैं तो फिर हम कहीं के नहीं रहते, तो दिस इज अ टाइम टू वर्क ऑन दैट। एट द सेम टाइम करियर में बेटरमेंट होता जा रहा है, नए नए रास्ते आपके जिंदगी में खुलते चले जा रहे हैं, मंजिल तक पहुंचने की सारी तैयारी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आपके हो रहे हैं, तो फिर मुस्कुराना जरूरी है आज आपके लिए। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की शुरुआत हो रही है मुस्कुराहट के साथ, बिकॉज चांद लगन में आने से इंसान द पर्सन फील्स गुड अबाउट एवरीथिंग विच इज वेरी गुड। स्टाइल बदलेगा आपका, वार्डरोब भी चेंज हो जाएगा, हेयर स्टाइल भी आप बदल सकते हैं, बिकॉज सेल्फ डेवलपमेंट से शुरुआत होगी विच इज वेरी गुड। रिलेशनशिप में थोड़ी सी मेहनत करने का वक्त चल रहा है अभी भी, क्योंकि मार्स अभी भी वहां विराजमान है, आग लगी हुई है, तो थोड़ा सा वार्मथ ऑफ लव एंड केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक सपोर्ट आपको जरूर करेगा, जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ेगी, कुल मिला के दिन अच्छा है, चलते रहिए फ्लो के साथ। मीन राशि यानी पाइसन के लिए आज चलने का वक्त है, लेकिन वो भी ओवरसीज तक, यानी एक आज आपकी जर्नी या कुछ ट्रैवल प्लान हो सकते हैं विच विल बी गुड फॉर यू एज वेल। यू कुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ पीपल हु आर इनटू मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस या मीडिया के लोगों को हो सकता है ब्रेक करने का कुछ मौका मिले एंड इट विल बी अ गुड डे फॉर योर बिजनेस एज वेल। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम कब आएगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास रीता एम का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8th of April 1955, टाइम बर्थ इज 1:48 AM। और रीता एम जानना चाहती हैं कि डियर मिस्टर कोचर, आई हैव सेंड यू एन ईमेल बिफोर बट आई स्टिल हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू। माय नेम इज रीता एंड दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ एंड बॉर्न इन मुंबई। माय हस्बैंड इज हस्बैंड की डिटेल भी भेजिए, और आप यूके में रहते हैं और वो यूके में ही बॉर्न हुए थे बेचारे। और आप जानना चाहती हैं प्लीज डू नॉट रीड ऑल द थिंग्स आउट इन पब्लिक एज ही मे बी ऑल्सो लिसनिंग, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैंने अभी पढ़ा था तो मैं अब आपका सवाल मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, बट मैंने समझ लिया है कि ओके ये थोड़ी सी दिक्कत चल रही है यहाँ पे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, तो ठीक है मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा यहाँ पे, आप डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और मुझे लगता है कि थिंग्स विल चेंज, अब ये हॉरोस्कोप आपका है मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। और अगर मैं आपके हस्बैंड की डिटेल देखूँ तो येस ये हॉरोस्कोप आपका है, और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपसे एक साल छोटे हैं। और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि मर्क्यूरी की दशा आपकी चल रही है, और मर्क्यूरी आपके हॉरोस्कोप में जुलाई से शुरू हुआ था वो डेबिलिटेटेड है, लेकिन नवांश में एक्जॉल्ट होने की वजह से अच्छी बात है। इससे पहले की जो दशा थी उसने थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश की तो जरूर थी, स्पेशली बिटवीन 2007 एंड 8, बट अब थिंग्स हैव चेंज। शनि की साढ़े साथी में भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, और राहु जब लगन में होता है तो इंसान सोचता रहता है और इतनी प्लानिंग करता है, कभी कभी कुछ चीज़ होती है और कभी नहीं भी होती है, कभी कभी इंसान डाउट कर लेता है अबाउट फ्यू थिंग्स इन लाइफ। यू कैन वियर ए येलो सफायर, यू कैन वियर ए रूबी, सैटर्न इज गिविंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेस, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज अकॉर्डिंग टू मी, देयर आर फ्यू थिंग्स विच कैनॉट बी चेंज। तो आप खाली अपने आप को बदलिए विद योर लव एंड केयर, अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग कैन बी चेंज। हैव फेथ इन गॉड, कीप डूइंग योर डेली प्रेयर्स, आई थिंक यू आर हेडिंग फॉर ए वेरी गुड टाइम ऑफ योर लाइफ। रीता जी आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का आखिरी ईमेल है मनोज कुमार मिश्रा का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12th of August 1985, टाइम ऑफ बर्थ इज 12:10 AM। और मनोज कुमार जी जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ के बारे में उन्होंने सवाल लिखा, हेलो माय नेम इज दिस एंड हाउ वुड बी माय मैरिड लाइफ एंड वेल व्हेन इट विल स्टार्ट, इज देयर एनी चांस फॉर मी टू वर्क अब्रॉड, इफ यस व्हेन एंड हाउ मेनी इयर्स, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशन फॉर मी टू हैव ए पीसफुल लाइफ एंड दीज आर माय डिटेल्स। और आप चंपारण मोतिहारी बिहार में पैदा हुए थे तो ये एक अच्छी बात है, और अभी आप कहीं इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छी बात है मनोज कुमार मिश्रा जी, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है मिश्रा साहब कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये आपकी एक कमजोरी बन गई है, क्योंकि कहते हैं कि ये कलयुग है एंड रोम डू एज द रोमन्स डू, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज केयरिंग होना अच्छी बात है लेकिन सेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं है। एग्जॉल्टेड चांद लगन में मुस्कुराहट हमेशा रहती है चेहरे पे आपके, लेकिन कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे, ऐसा कभी कभी आपके साथ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखिए, आपका पहला सवाल था अपनी मैरिड लाइफ के बारे में और कब शादी करूंगा, तो शादी होने के बाद ही मैरिड लाइफ शुरू होगी, और वो वक्त आपका शुरू होता है अब 17 मई 2000
12 से लेकर मई 2013 के बीच में आप शादी करेंगे और वो शादी के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डिप्लोमेसी की स्पेलिंग रोज 108 बार लिखिए क्योंकि वो आपको नहीं आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वो भाग जाएगी, उसको लगेगा कि आप उसका हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अगला सवाल जो था कि वो आप अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप अब्रॉड में हैं, गुरु की दशा है, गुरु आपके 9000 प्लेस है, 8 फिंगर का मालिक है, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, येस यू आर इन आउटसाइड, यू आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, यू विल कीप ऑन डूइंग दैट, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और आखिरी सवाल आपका यह था कितने साल रहूंगा, तो मेरे ख्याल से कम 2023 तक रहेंगे अगर आप चाहते तो हैं। एक एमरल्ड आप पहनिए, एक डायमंड आप पहनिए, डायमंड तो वैसे भी एंगेजमेंट में मिल जाएगा आपको, और अपनी वाइफ को, खुद की वाइफ को खुश रखने की कोशिश आप हमेशा करते रहिए, जिंदगी आपकी बन जाएगी शादी के बाद, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप भी डिटेल से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें zeenews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही, दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।